इतना कच्चा, शायद यहाँ कम ही टूरिस्ट आते होंगे। तो कितना सुनसान जंगल है ये, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल तक। तो दोस्तों अभी हम कोलिलम बीच से जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच की तरफ, और यहाँ से जो उसकी दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। अभी हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, क्योंकि साउथ गोवा अगर आप आओ तो जो सबसे खूबसूरत बीच है और जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध बीच है उसका नाम है बटरफ्लाई बीच। तो अभी हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। तो अभी क्या है कि एक कच्चा रास्ता आ चुका है और मैप में दिखा रहा है कि यही रास्ता जाता है बटरफ्लाई। हमें कोई बोर्ड तो नहीं दिखा, लेकिन मैप में जो दिखा रहे हैं उस हिसाब से हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। ये देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। काफी कच्चा रास्ता है और काफी खराब रास्ता है ये। अब ये मैप की सहायता से हम जा तो रहे, पर पता नहीं ये बटरफ्लाई बीच जाता है या नहीं, कुछ लेता रहता है, देखते हैं अब। जिस प्रकार का रास्ता है दोस्तों, इतना कच्चा, शायद यहाँ कम ही टूरिस्ट आते होंगे। वाओ, बट नेचर का जो आनंद है वो हम बहुत ही अच्छा एंजॉय कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव की कच्चे रास्ते पे जम जैसे जा रहे हो, वैसा लग रहा है अभी हमें। देखिए दोस्तों कितना सुनसान जंगल है ये, ऐसे जंगल में होके हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। और यहाँ फोर व्हीलर तो नहीं जा सकती, सिर्फ टू व्हीलर जा सकती है। अगर आपको एडवेंचर के शौकीन हो अगर आप, तो आप साउथ गोवा के अंदर बटरफ्लाई बीच की तरफ जरूर आए अपनी टू व्हीलर गाड़ी लेके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम अभी तक जितने बीच पे घूमे हैं वहाँ सब जगह रास्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और कच्चा था। ये स्लो स्लो, ओ ये आई है एक ढलान और काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो सारे ये देखिए ढलान आई, और यहाँ से आगे ये देखिए फोर व्हीलर तो नहीं जा सकती है, टू व्हीलर आप लेके जा सकते हो यहाँ पे आगे, या फिर आप पैदल जा सकते हो। यहाँ से जो दूरी बता रखी है बोर्ड पे वो 2 किलोमीटर बता रखी है। वाओ वाओ, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे टच हो जाओगे, इतनी नीचे टहनियाँ है। तो यहाँ से अभी हमने टिकट लिया है टू व्हीलर का। अगर टू व्हीलर आप यहाँ से आगे ले जाते हो, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसका एक टू व्हीलर की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। अगर आप यहाँ से पैदल जाना चाहो तो उसके 50 रुपये लगेंगे। ओ मज़ा आ गया यार, ये है असली गोवा का जो बोलते गांव का नज़ारा या फिर नेचर। वाओ, अगर आप टू व्हीलर लेके नहीं आते हो और पैदल आना पसंद करते हो तो लगभग आपको 30 मिनट लगेंगे बीच पे पहुंचने के लिए यहाँ से।
तो हमने सोचा क्यों ना टू व्हीलर लेके जाए, तो हमने 100 रुपीज़ पे किए हैं एक टू व्हीलर के, और अभी हम जा रहे हैं टू व्हीलर की सहायता से बटरफ्लाई बीच। कच्चा रास्ता और बहुत ख़राब रास्ता, आगे और ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता आ गया है। यहाँ से अब स्कूटी जाएगी या नहीं पता नहीं, सच में बहुत ख़राब रास्ता है। अगर आप यहाँ हो तो ऑफ रोडिंग बाइक लेके आए तभी आपको मजा आएगा। इस रास्ते पे आप ड्रिंक करके नहीं आए नहीं तो 100% गिरोगे नीचे। पर मजा बहुत आ रहा है इस रास्ते से। धीरे 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 भाई धीरे, या गिरने का बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी हमें। सच में बहुत खराब रास्ता था पर मजा बहुत आया। और अभी हम फाइनली ये जो लास्ट पार्किंग जहाँ स्टैंड है वहाँ पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ हमें एक थार दिख रही है, पता नहीं ये कैसे आई, शायद अलग रास्ता होगा। तो गाड़ी यहीं तक जाएगी और अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल, ट्रैक कर रहे हैं। देखिए कितना खराब रास्ता है ये। ये हमारे फ्रेंड साथ में आते हुए हमारे पीछे पीछे। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको इस सुनसान और डरावने सफर से? आप सफर करके यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत ही शानदार लग रहा है और काफी ज्यादा डरावना रास्ता है यहाँ पर। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। और यहाँ से अगर आप पैदल आओ, अगर हम पैदल आते तो हमें यहाँ पहुँचने में 30 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता। तो अभी हम सोच रहे हैं हमने अच्छा किया जो टू व्हीलर लेके आए। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है इस जंगल में आके। 5 मिनट का रास्ता और है। पैदल चलने में भी काफी जाम लग जाता है इस रास्ते। गोवा आप कभी भी आओ तो इस जगह जरूर आना, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो। ओ, लोगों का शोर शराबे की आवाज आती हुई, और लगता है हम बच कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल तक, बटरफ्लाई बीच। तो जिस घड़ी का हमें और आपको इंतज़ार था वो आ चुकी है और ऐसे जंगल से निकल के हम आ गए हैं। वाओ, हमने रास्ते में सोचा नहीं था कि आगे ऐसा खूबसूरत नज़ारा होगा। ये देखिए दोस्तों, इसको बटरफ्लाई बीच कहा जाता है क्योंकि ये बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार का है। इतने लोग यहाँ आए हुए हैं और आप चाहो तो यहाँ बोट के माध्यम से भी आ सकते हो, लेकिन हम एडवेंचर करने के लिए बाइक से यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये देखिए कैसी चहल पहल है यहाँ पे, कितना खूबसूरत नज़ारा देखिए दोस्तों। बहुत ही शानदार जगह, मजा आ गया। जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छी खूबसूरती यहाँ पे। ये छोटी सी जगह है यहाँ पे, ये बीच है ना बटरफ्लाई, वो काफी छोटी जगह है पर काफी ज्यादा खूबसूरत है।
ये देखिए हम जो आए थे वो इस रास्ते से होके आए थे और तब हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा नज़ारा होगा, चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये सुंदर समुंदर का किनारा जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई बीच। और ये ज़्यादातर लोग जो यहाँ आए हुए हैं ये बोट में बैठ के आए हुए हैं और हम आए हैं टू व्हीलर लेके। अगर आप यहाँ आओ तो टू व्हीलर लेके आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम जाने वाले हैं पानी के अंदर और इन्जॉय करते हैं, चिल करते हैं। ये हमारे सचिन भाई आनंद कर रहे हैं। आनंद ले रहे हैं बीच का। यहाँ का जो पानी है दोस्तों वो अभी तक मैं यहाँ गोवा के अंदर जितने बीच में गया था उन सब बीच से सबसे जो साफ पानी है वो यही है, बटरफ्लाई बीच। ये देखिए शाम का समय हो चुका है और जो लोग बोट में बैठ के आए थे वो वापस जाते हुए। अगर आपको ये बटरफ्लाई बीच देख के अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए।